दोस्तों, अपनी टीम को जिताने के लिए किसी भी टीम के विकेट कीपर के कंधों पर सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। कोई भी विकेट कीपर ये चाहता है कि स्टंप के पीछे आई कोई भी गेंद उससे न छूटे, इसलिए टीम का कप्तान किसी ऐसे खिलाड़ी को विकेट कीपर चुनता है जो उसे जीत दिला सके। हमारे देश की टीम में राहुल द्रविड़, दिनेश कार्तिक, पार्थिव पटेल और महेंद्र सिंह धोनी जैसे विकेट कीपर हुए। महेंद्र सिंह धोनी का नाम दुनिया के 4 सबसे अच्छे विकेट कीपर में आता है। वे भले ही आज के समय में आपको विकेट के पीछे ना दिख रहे हों, लेकिन फिर भी किसी भी मैच में उनकी भूमिका काफी अहम होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के 5 सबसे अच्छे विकेट कीपर के बारे में, जो पलक झपकते ही स्टंप को अंजाम देते थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मार्क बाउचर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मार्क बाउचर का आता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इनके नाम आज भी दुनिया में सबसे अधिक बल्लेबाजों को पवेलियन पहुंचाने का रिकॉर्ड दर्ज है। मार्क बाउचर ने क्रिकेट के 3 प्रारूपों में खेला। बाउचर को टॉन्टन में इंग्लिश काउंटी टीम के समरसेट के खिलाफ टीम में अभ्यास मैच के शुरुआती दिन बेल लगने से चोट लग गई थी। लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने जमाल हुसैन को बोल्ड आउट किया और बेल बाउचर की आंख में लग गई। बाउचर इस 2 दिवसीय मैच में हेलमेट की जगह टोपी पहने हुए थे और उन्होंने अपनी आंख में चोट लगने के कारण क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मार्क बाउचर फिलहाल तक दुनिया में सबसे बेहतरीन विकेट कीपर हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा शिकार भी किए हैं। एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट एक बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ ही एक बेहतरीन विकेट कीपर भी थे। उन्होंने बल्लेबाजी के साथ ही विकेट कीपिंग में भी खूब झंडे गाड़े। एडम गिलक्रिस्ट के नाम भी बहुत से रिकॉर्ड दर्ज है। 14 नवंबर 1971 को बेलिंगन में जन्मे एडम गिलक्रिस्ट को गिलिया चर्च जैसे नामों से भी जाना जाता है। गिलक्रिस्ट ने साल 2008 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। गिलक्रिस्ट के नाम 96 टेस्ट मैच में 47.60 की औसत से 5570 रन दर्ज है। गिलक्रिस्ट के नाम वनडे क्रिकेट में 16 शतक भी दर्ज है। गिलक्रिस्ट बल्लेबाज के क्रीज से बाहर पैर रखते ही स्टंप कर देते थे और इसलिए वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर में शामिल किए जाते हैं। कुमार संगकारा। श्रीलंका के पूर्व बेहतरीन बल्लेबाज और विकेट कीपर श्रीलंका के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। इन जैसा खिलाड़ी कई सालों में एक बार पैदा होता है। उन्होंने न सिर्फ बल्लेबाजी में महारत हासिल की बल्कि विकेट कीपिंग में भी ये किसी से कम नहीं रहे। श्रीलंकाई टीम के इस खिलाड़ी को उनके फैंस कभी भी नहीं भूलेंगे। विकेट कीपिंग के मामले में कुमार संगकारा का नाम 3 नंबर पर आता है। वनडे क्रिकेट में विकेट कीपर के में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा के ही नाम दर्ज है। उन्होंने 404 वनडे मैचों में 13,441 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी। ये भारतीय टीम को मिला वो नायाब हीरा था जिसकी जरूरत दुनिया की हर एक टीम को होगी, क्योंकि इस खिलाड़ी ने न सिर्फ कप्तानी और बल्लेबाजी में बल्कि विकेट कीपिंग में भी अपना लोहा मनवाया। धोनी बिजली की रफ्तार से स्टंपिंग करने के लिए जाने जाते हैं। रांची में जन्मे धोनी ने अपने करियर की शुरुआत विकेट कीपर से ही की थी और उसके बाद उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए। आपको बता दें कि धोनी ने टेस्ट में 256 कैच और 38 स्टंप किए। इसके अलावा वनडे में 306 कैच और 113 स्टंप किए। अगर आगे धोनी खेलते हैं तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यान हीली। यान हीली को भी एक बेहतरीन विकेट कीपर के तौर पर जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर हुआ करते थे। इन्होंने भी अपनी विकेट कीपिंग का खूब लोहा मनवाया। एडम गिलक्रिस्ट से पहले हीली ही ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते थे। टॉप 5 विकेट कीपर की इस लिस्ट में 5वां स्थान यान हीली का है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में 628 कैच पकड़े और उन्हें भी दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपरों में शुमार किया जाता है।